हेलो एवरीवन, आज हम असाइनमेंट वर्कशीट करेंगे क्योंकि असाइनमेंट वर्कशीट 7 है, साइंस की क्लास 10th की। ये 18 अक्टूबर की है, तो यहाँ पर ये असाइनमेंट वर्कशीट 10 मार्क्स की है। इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन है, जबकि सेक्शन 2 में केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है 5, और सेक्शन बी में सबसे पहले आपको एक पैसेज पढ़ना है और फिर और 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 5 + 5 आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अब पहला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स है, वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, तो ये है क्या एक्स? CaO। ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है, ये CaO है। अब सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है एक सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज्ड होता है और जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस्ड होते हैं इन फॉलोइंग रिएक्शन, तो वो कम हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन H2 और CuO, ये दोनों है, जैसा कि आप इक्वेशन में सिंपली नोटिस कर रहे हैं। आगे आगे क्वेश्चन में आपको दिया गया है दैट व्हेन डीजल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, कि जो डीजल होता है वो ऑक्सीजन गैस की जो प्रेजेंस में बर्न करता है इनसाइड द इंजन ऑफ अ बस, हाँ करता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाता है और जो टेम्परेचर है इंजन का वो हाई हो जाता है बहुत, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दैट द बर्निंग ऑफ डीजल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, नो। हीट एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सराउंडिंग, नो। दिस प्रोसेस इज ट्रिगर्ड बाय लाइट एनर्जी, नो। इसका ऑक्सीजन एंड डीजल आर द रिएक्टेंट्स इन दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन और डीजल रिएक्टेंट होते हैं। जो ऑक्सीजन और डीजल है वो यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो वो होंगे रिएक्टेंट, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगला, रस्टिंग इज अ प्रोसेस। जो रस्टिंग है ये एक प्रोसेस है, इसमें क्या रिक्वायर है? तो आप रस्टिंग देखते हैं आयरन की, जब आयरन को खुले में रखते हैं तो उसको क्या चाहिए होती है? खुले में एयर चाहिए होती है रस्टिंग को, और दूसरा नमी चाहिए होती है, मॉइस्चर जो उसको एनवायरनमेंट से मिलता है। तो आपका बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। अब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है इन एयर विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। अगला, ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट सॉलिड। अब आगे कहा गया कि दिस टाइप ऑफ वाइट सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव अ सॉल्यूशन व्हिच टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब ये किस तरह का रिएक्शन है? तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन के संग। तो सिक्स क्वेश्चन करने से पहले हमें केस स्टडी पढ़नी है कि 1909 जो सोरेनसन थे उन्होंने एक बनाया था स्केल जिसे कहा गया पीएच स्केल। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशंस और जो बेसिक सॉल्यूशंस है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन देम। तो सोरेनसन ने लिंक किया हाइड्रोजन आयन्स को ऑफ एसिड एंड बेस के संग टू द सिंपल नंबर। सिंपल नंबर्स में होता है ये पीएच स्केल 0 to 14 तक। इन एवरीडे लाइफ जो पीएच है वो प्ले करता है एक बहुत बड़ा रोल। फार्मिंग में द बेस्ट क्रॉप आर यूजुअली ऑब्टेन विद न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक सॉइल, है ना, टूट डिके एंड बीस्टिंग, ये सब हमारा एसिड से रिलेटेड है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस जो है वो फार्मर डालते हैं अगर सॉइल में एसिड हो जाता है? तो क्या डालते हैं? कॉमन सॉल्ट। तो नेक्स्ट, रेन इज कॉल्ड एन एसिड रेन व्हेन द पीएच इज, जो रेन है उसको एसिड रेन कहा दिया जाता है जब उसका जो पीएच लेवल होता है वो क्या हो जाता है? वो बिलो हो जाता है हमारा 5.6 से। अब ड्यूरिंग इंजेशन जो कौन सा एसिड है वो हमारे जो स्टमक है उसमें यूज होता है जिससे इरिटेशन और पेन हो जाता है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट जो है वो यूज होता है रिलीफ यानी आराम पाने से लिए जो कि बी का स्ट्रांग होता है उससे? तो क्या वो यूज होता है, हम क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग जो टाइप ऑफ मेडिसिन है ये एसिडिटी जो होती है उसमें यूज होती है? तो एंटासिड। तो आप इस तरह से ये वर्कशीट असाइनमेंट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वर्कशीट असाइनमेंट्स के संग।